आज बनाएंगे बहुत ही आसानी से बनने वाला तंदूरी क्लब सैंडविच। अब मार्केट में तो ये 120 और 150 से नीचे मिलते नहीं है, बट घर पे इसे इजिली बना सकते हैं हम, और आप चाहो तो बना के सेल भी कर सकते हो। यहाँ मैंने गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी को काट लिया है, चॉप कर लिया, चॉपर में आराम से चॉप हो जाता है। और उसके बाद क्या करो, तंदूरी मेयो ले आओ आप मार्केट से, बहुत ही इजीली अवेलेबल है ये मार्केट में। पता है मुझे और मेरे भाई को सैंडविचेस बहुत पसंद है, एक तो इतनी इजीली बन जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। यहाँ पे ना मैंने टमाटो सॉस लिया है और जो नॉर्मल वाली मेयोनीज होती है ना वो भी ली है। 2 बड़े चम्मच मैंने तंदूरी मेयोनीज ली थी, 2 ही चम्मच मैंने टमाटो सॉस और करीबन 3 चम्मच मैंने नॉर्मल मेयोनीज लिए। अब थोड़ा स्पाइसी करने के लिए इसमें 1 चम्मच शेजवान सॉस डालेंगे, पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग होती है ना उसे डाल देंगे। ये सैंडविच मतलब मुझे समझ नहीं आता मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगी क्यों मिलती है। हाँ इसमें चीज़ें पड़ी होती है बट मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगी बिकनी चाहिए। आप घर पे काफ़ी कम पैसों में वैसे ही 5-6 सैंडविचेस बना सकते हो जितने में आप एक खाते हो। अब क्या करो ना, एक ब्रेड में आप तीखी वाली हरी चटनी लगा दो। अब हरी चटनी की बहुत सारी रेसिपीज चैनल पे अवेलेबल है, अच्छी तरीके से हरी चटनी को स्प्रेड कर लो आप। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किसने किसने तंदूरी वाली सैंडविच ट्राई करी है। अगर नहीं करी है ना तो यार एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। और दूसरे ब्रेड पे तंदूरी मेयो लगा दो, अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दो। अच्छा मैंने ना यहाँ वाइट ब्रेड ली जिसके साइड्स नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसे ही यूज़ करते हैं। आप नॉर्मल ब्रेड भी ले लो या ब्राउन ब्रेड पे भी बना सकते हो उसको। और फिर जो हमने फिलिंग प्रिपेयर करी है ना उसे डाल देंगे और उसके बाद दूसरे वाले ब्रेड से इसे क्लोज कर देंगे। अच्छी तरीके से जेनरसली भरना फिलिंग ताकि मतलब मज़ा आए खाने में। और बड़ी सावधानी से इसे काट लो और तैयार है बहुत ही टेस्टी सा तंदूरी वेज क्लब सैंडविच। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बना के खिलाए उसे रेसिपी शेयर कर दो। अच्छा हाँ, ऊपर से ज़रा इसमें चाट मसाला डालना मत भूलना, वो तो मार्केट में ज़रूर करते हैं, आपने देखा भी होगा, और खाने में काफ़ी चटकारा टेस्ट आता है। तो मैंने बढ़िया से चाट मसाला डाल दिया है और अब बस मैं और मेरा भाई जा रहे हैं इसे इंजॉय करने। थोड़ा सा ना पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग भी डाल दी है और मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैं थोड़ी चिली फ्लेक्स भी डालती हूँ। ऐसी बहुत सारी क्विक रेसिपीज़ ना मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाओ देखो, घर पे बना के ट्राई करो और मज़े करो।